मेरठ के थाना सिविल लाइन के अंतर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण के एक कर्मचारी 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। बताया जाता है कि ये महिला काफ़ी समय से हर फाइल की बिना पैसे लगे किसी भी फाइल को बढ़ाती नहीं थी, जिसकी वजह से इनके खिलाफ काफ़ी शिकायतें चल रही थी और पुलिस एंटी करप्शन ने इनके खिलाफ जाल बिछाकर इनको गिरफ्तार किया है और कोर्ट। ये क्या मामला हुआ है पूरा? मामला ये हुआ है, एक नामांतरण की फाइल थी जो MDA कार्यालय में मेरी चली हुई थी, जिसके संबंध में मैंने आवेदन करा था। मेरी माता श्री के नाम प्लॉट था, वो नामांतरण कराने के लिए मैंने आवेदन किया। आवेदन करने के बाद मैंने ऑनलाइन जो फीस कटती है वो फीस कटवा करके MDA वो जा चुकी थी फाइल। कई दिन से वो फीस पेंडिंग होने के बाद मैडम के पास ये फाइल पेंडिंग चल रही थी, तो मैंने इनसे एक बार फ़ोन पर संपर्क करा तो उन्होंने फ़ोन पर संपर्क करने को मना कर दिया और एटीट्यूड दिखाते हुए कहा कि तुम ऐसा है यहाँ पर आओ कार्यालय में, मैं फ़ोन वोन पर बात नहीं करती हूँ। मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि ऐसा है, जब तक 5,000 रुपये मुझे नहीं दोगे तुम्हारी फाइल में आगे नहीं भेजूँगी। इस करके बाद मैंने वहाँ से मैडम से निवेदन करा, मैडम ऐसा है कि पर्सनल फाइल है, पेशे से वकील हैं, आप ऐसे कैसे ना करें, फाइल को मेरी आगे फॉरवर्ड कर दें। तो फिर जब ये नहीं मानी, इन्होंने कहा वकील हो तो कोई तोप थोड़ी हो तुम, वकील हो तो कोई तोप थोड़ी हो, पैसे के बिना फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। फिर मैंने इनसे निवेदन करा, मेरी फाइल कल तक रोक लो, मैं कल पैसे दे दूँगा। तो फिर एक दो दिन का समय, ईद वगैरह आ गई, छुट्टी हो गई, तो आज इन्होंने का फिर से फ़ोन आया कि अगर तुम्हारी पैसे नहीं लेकर आए हो तो मैं तुम्हारी फाइल आज खारिज कर दूंगी। इस करके जो है फिर मैं आज इनके फ़ोन आने के बाद मैं दोबारा से इनके कार्यालय गया एंटी करप्शन में शिकायत करके, तब जाके ये मामला बना। कितने पैसे मांग रहे हैं? 5,000 रुपये। आपका शुभ नाम था? राहुल बढ़ाना एडवोकेट।